तो फाइनली गाइस आज की वीडियो लेकर ठीक है। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहा है दोस्तों। सबसे पहले आपको एक जरूरी सूचना दे दूं कि मुझे किसी ने बोला था कि आप अपना फोटो नहीं करते हो जिसमें अपना फेस नहीं दिखाते हो, ठीक है, तो जिसके कारण आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। और दोस्तों मुझे पता नहीं, ठीक है, तो इसके लिए आप कमेंट करना और दोस्तों चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और आज का वीडियो इस टॉपिक पे है तो चलते हैं अपने वीडियो तरफ बिना टाइम वेस्ट करते, ठीक है। तो जान हम आ गए अपने स्क्रीन पे, ठीक है। और सबसे पहले अपने पिक्चर ओपन कर लेंगे और अपना क्या कहते हैं टूल्स पे जाने को जिससे थोड़ा क्रूप कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से करना है कि फुल डिस्प्ले में आ जाए, ठीक है। और इसके बाद आपको फिर से आपको टूल्स पे जानी है और इसे रिसाइज कर देनी है। तो इसे मैं थोड़ा यहाँ फास्ट कर देता हूँ, आपको रियल अमाउंट डाल देना है, ठीक है। और इसके बाद आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना है, सिंपल सा आपको एडजस्ट पर जाना है और सिचुएशन पूरा टैप कर देना है, ठीक है। तो इसमें कुछ कलर आ चुका है तो इसके बाद सीधा आपने जाएंगे फोटो पर, ठीक है। और वाइट फाइट पर जाने पर दोस्तों सबसे पहले आपको PNG लेना है। तो दोस्तों सब PNG आपको डिप्रेशन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर लोड कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं अच्छी तरह से ऐड कर देता हूँ। और दोस्तों एक बात और बता दो, आपको पिक्सार्ट में थोड़ा टाइम लगता है तो वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो फिर से अपना एड फोटो जाएंगे, अपने मॉडल को रख लूँगा। तो सिंपल से मैं अपने फोटो को कटआउट करके पहले से रखा हूँ, ठीक है। तो इसको मूव अप कर देंगे, कुछ इस प्रकार से इसको एडजस्ट करना जैसे कि ये बैठी हुई है, ठीक है। और तो इसको कुछ मतलब अच्छी प्रकार से ऐड करना है। और सिंपल से पहले अपना भी फोटो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका मूव अप डन कर देना है, मतलब लड़की पीछे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। और इसको सिंपल से इसका रेशियो चेंज कर देंगे। तो सिंपल से इतना हो जाने पर दोस्तों सबसे पहले इसको एडजस्ट करना है। अब मैं फिर से बोल दूँ दोस्तों कि पिक्सार्ट में फोटो ऐड करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप चाहो तो वीडियो यहाँ पे स्किप कर सकते हो, नहीं तो आप वीडियो को पूरा देखो, स्टेप बाई स्टेप आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि पिक्सार्ट में ऐड करने में बहुत टाइम लगता है और अगर अच्छी तरह से आप ऐड नहीं करोगे तो फोटो काफ़ी बेकार लगता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो की स्किप मत करना और इसको इस पर अच्छी प्रकार से मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अभी जस्ट तो देखने में लग रहा नॉर्मल है, ठीक है। तो इसके बाद पहले मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अच्छी तरह से, लगना चाहिए दोस्तों कि ये बैठा है, ठीक है। और मैं अभी खड़ा हूँ तो खड़ा ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल से इतना हो जाने के बाद इसको पहले एडजस्ट कर लेता हूँ दोस्तों और सिंपल से अपने एड फोटो पर जाऊँगा, ठीक है। पहले इसको एडजस्ट कर लेता हूँ दोस्तों और मेरे फोटो में थोड़ा क्या कहते हैं दिक्कत आ रही है तो इसको मैं पहले हार्डनेस क्या कहते हैं मतलब इरेज कर देता हूँ, हार्डनेस शो करके देख सकते हो भी यहाँ वीडियो में, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और थोड़ा इधर भी है, अभी आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है, जैसे मैं अभी आप आपको दिखा दे रहा हूँ। दाढ़ी में कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया था, इसको मैं इरेज कर दिया हूँ। अब देख सकते हो थोड़ा लुकिंग आ चुका है, ठीक है, दोनों में, तो कुछ दोनों अच्छी प्रकार से सेट हो चुका है। तो इसको सेट करने का दोस्तों सिंपल से आपको वाइट फोटो बजाना है, ठीक है। और दोस्तों फिर से आपको PNG लेना है, तो दोस्तों सारा PNG आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर लोड कर लेना, ठीक है। और दोस्तों आप क्या कहते हैं जैसे आप PNG लोगे तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि भाई PNG काम नहीं कर रहा है, तो भाई PNG काम करेगा, ठीक है। आप उसके लिए रिक्वेस्ट डालना, मैं आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। तो सिंपल से इसको पहले ऐड कर लेता हूँ और इसको कुछ इस प्रकार से रखना है कि जैसे ये मतलब सच्ची में रखा हो और ओरिजिनल हो, ठीक है। वैसे मैं पीता नहीं दोस्तों, लेकिन इसके लिए पी रहा हूँ, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। तो सिंपल से इनका भी थोड़ा मतलब अच्छी प्रकार से सेट कर देना है ताकि ये भी लगे कि हाँ पी रहे दोनों। तो सिंपल से इसको पहले अच्छी तरह से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको दोस्तों कुछ भी ऐसा रखना है जैसे कि ये लगे कि हाँ ओरिजिनल है। दोस्तों मुझे साइज थोड़ा छोटा लग रहा है या 12 मतलब मैं कभी कन्फ्यूज इसमें थोड़ा, ठीक है। तो आप अपने मुताबिक रख लेना फोटो के। तो सिंपल से इतना हो जाएगा दोस्तों, इसको मैं डन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं फिर से वही बता दूँ कि मुझे अभी भी डाउट हो रहा है कि ये साइज छोटा तो ना है, क्योंकि अगर कोई दूर से फोटो क्लिक करता है तो लगना चाहिए कि हाँ सही है। तो इसको मैं डन कर देता हूँ इतना पे, ठीक है। और सिंपल से दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आना है टूल्स पे, ठीक है। कन्वर्ट्स जो होता है इसको आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, ठीक है। इससे ये होता है दोस्तों, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इससे ये होता है कि फोटो में काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी आती है और शाइनिंग भी बढ़ता है, ठीक है। तो सिंपल से इतना हो जाने का दोस्तों इसके बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है। और आपको क्या कहते हैं सिंपल वाला ऑप्शन लेना है, ठीक है। और इसके सबसे लास्ट वाला पर टाइप कर देना है, आपको यहाँ देख सकते हैं सैचुरेशन, ठीक है। इसका अमाउंट पूरा 100 रख देना है, ठीक है। और इसको डन नहीं करना है, सबसे पहले आपको फेस जो दिख रहा है, फेस हाथ जो भी है मतलब
इस पर पहले इरेज कर देना, ठीक है। बस मुझे कपड़ों पर रखना है, तो इससे ये होगा कि बैकग्राउंड और कपड़ा दोनों एक ही साथ इतना अच्छा लगेगा देखने में दोस्तों। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, तो सिंपल से मैंने जो हैंड है उसको मैं इरेज कर देता हूँ और फेस का भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और देख सकते हो दोस्तों, अभी देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कितना अच्छा ऑसम लुकिंग आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पे। तो फिर से दोस्तों इसके बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है। आपको फिक्स लिखा होगा इस पर HDR 1 होता है, ठीक है। इसको आप टैप करोगे तो इस बैकग्राउंड और पूरा सहित HDR हो जाएगा। तो फिर से आपको इरेज वाला ऑप्शन पर जाना है और आपको एक्स्ट्रा पास जो उसको इरेज कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से वीडियो दोनों फास्ट कर दिया था कि आपको वीडियो मतलब देखने में दिक्कत ना हो और टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो सिंपल दोस्तों मेरा फोटो कंप्लीट हो चुका है, तो इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप भी कर सकते हो फोटो के मुताबिक अपना, तो मैं भी अपने फोटो के मुताबिक थोड़ा बहुत कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑसम लुकिंग इसमें आ चुका है, ठीक है। शेडो आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो लुकिंग के लिए। तो फाइनली मेरा डन हो चुका है फोटो, ठीक है। तो दोस्तों आज का फोटो एडिटिंग यही था। तब को फोटो एडिटिंग कैसा लगा दोस्तों, एक कमेंट जरूर करना, ठीक है। और दोस्तों वीडियो काफ़ी मेहनत से बनता है, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और सपोर्ट करिए अपने छोटे भाई को, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू वेल।